Hello students, welcome in e-learning class of St. Michael's Academy. Students, now in this video lecture we have to discuss about uniform circular motion. Uniform circular motion, when an object moves in a circular path with uniform speed, its motion is called uniform सर्कुलर मोशन. अर्थात जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे, किसी सर्कुलर रास्ते पे यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करता है तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं. आइए इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं. द मोशन ऑफ द एथलीट मूविंग अलोंग a circular path. Students, you can see here, this is a circular path and an athlete is moving along the circular path. So the motion of this athlete is uniform circular motion. Next example, the motion of the moon and the earth. मून और अर्थ का जो मोशन होता है वो भी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, क्योंकि हम जानते हैं जिस ऑर्बिट पे अर्थ सन के अराउंड मूव करता है वो सर्कुलर नहीं होता है, बट अप्रोक्स उसको हम सर्कुलर ले सकते हैं, लगभग सर्कुलर होता है वो, लेकिन पूरी तरह से वो सर्कुलर नहीं होता है, तो उसे हम एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल ले सकते हैं समझने के लिए, लेकिन वो सर्कुलर होता नहीं है पूरी तरह से. यानी जो मून है वो अर्थ के चारों ओर मूव करता है, तो मून का जो मोशन हुआ वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ एज एग्जांपल. नेक्स्ट, अ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ. एक सैटेलाइट एक सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ के चारों तरफ मूव करता है, इसलिए सैटेलाइट का जो मोशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है. अ साइक्लिस्ट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक एट कॉन्स्टेंट स्पीड. स्ट्रेंथ, इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं, इस इमेज में हम देख सकते हैं कि एक साइक्लिस्ट है और यहाँ पे एक सर्कुलर ट्रैक है, उस सर्कुलर ट्रैक पे एक साइक्लिस्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है, इसलिए इस साइक्लिस्ट का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है. स्टूडेंट्स, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है. मोशन का जो स्पीड का मैग्नीट्यूड है, क्योंकि स्पीड हमारा क्या है, यूनिफॉर्म है, इसलिए स्पीड चेंज नहीं हो रहा है वहां पे, स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, बट स्पीड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है. जैसे कि हम ये देखें, ये एक रेक्टेंगुलर ट्रैक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस रेक्टेंगुलर ट्रैक पे मूव करे तो क्या होगा, इसका डायरेक्शन चेंज होगा, पहले ये अपवर्ड जा रहा है, फिर ये राइट साइड में जाएगा, फिर ये डाउन, फिर ये लेफ्ट साइड हो जाएगा. तो इस तरह से इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, पहले नॉर्थ जा रहा है, फिर ईस्ट, फिर साउथ और फिर वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है. यानी लगातार उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, 4 पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, सी डी ई डी पे 4 पॉइंट्स पे उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. वैसे ही अगर हम हेक्सागोनल ट्रैक को ले जिसमें 6 पार्ट्स हैं, तो हम क्या पाएंगे कि 6 पॉइंट्स पे किसी भी ऑब्जेक्ट को अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करना पड़ेगा. वैसे ही अगर हम ऑक्टागोनल सेपरेट ट्रैक ले जिसमें 8 साइड्स हैं और 8 पॉइंट्स है, 8 वर्टिसेस हैं, तो 8 वर्टिसेस पे उस ऑब्जेक्ट को अपना डायरेक्शन
चेंज करना पड़ेगा, यानी लगातार उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और जब हम एक सर्कुलर ट्रैक ले लेंगे तो वैसे ही इसको हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो ऑब्जेक्ट का स्पीड होता है, स्पीड का मैग्नीट्यूड वो कांस्टेंट रहता है, बल्कि उसका डायरेक्शन चेंज होते रहता है उसका डायरेक्शन। और डायरेक्शन चेंज होने के साथ उसके मोशन में, उसकी स्पीड में एक्सेलरेशन आ जाता है। इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन भी कह सकते हैं, कहेंगे। नोट्स: इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देयर आर सम पॉइंट्स व्हिच वी हैव टू रिमेंबर, ऑलवेज कीप इन आवर माइंड। फर्स्ट वन इज, ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। इट मीन्स दैट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। सेकेंड, ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। जैसा कि अभी भी हम लोगों ने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट किसी भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, अगर एक सर्कुलर पाथ है और उसके यूनिफॉर्म स्पीड के साथ कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उसका वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होगा, बल्कि उसका डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होगा। सो ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। थर्ड, अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ चेंजेस इट्स डायरेक्शन कंटिन्यूअसली, इट्स वेलोसिटी इज देयरफॉर नॉट कांस्टेंट इवन इफ इट्स स्पीड इज कांस्टेंट, सो इट इज एन accelerated motion in uniform circular motion is an accelerated motion. Why? Because particle moving along circular path changes its direction continuously. Its velocity is therefore not constant. Even if it is, its speed is constant. So it is an accelerated motion. Students, जब कोई object किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा हो तो उसका स्पीड यूनिफॉर्म होता है, बट उसका डायरेक्शन सेम नहीं होता है, वो अपने डायरेक्शन को चेंज करते रहता है। और हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने डायरेक्शन को चेंज करता है तो, या अपने स्पीड को चेंज करता है, तो उसका जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन हो जाता है, मोशन में एक्सेलरेशन आ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ पे जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन चेंज होने के कारण उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है। स्टूडेंट, लेट अस नो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर विथ यूनिफॉर्म मोशन। मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है जिसका रेडियस आर हो, जिस सर्कुलर पाथ पे वो ऑब्जेक्ट मूव करता है उसका रेडियस क्या हो, आर हो, उस ऑब्जेक्ट का हम स्पीड कैसे निकालेंगे? टाइम इज टी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी इज सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर पाथ। स्ट्रेंथ, अगर हम टाइम टी लेते हैं और जो डिस्टेंस कवर्ड है उस ऑब्जेक्ट के द्वारा टी टाइम में, वो क्या हो जाएगा, सर्कुलर पाथ की सर्कमफेरेंस के इक्वल होगा। जो सर्कुलर, जो सर्कल है जिस सर्कुलर पाथ पे वो मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट जिसका रेडियस क्या है, आर है, तो उसका सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा, 2πr, यानी वो क्या हो जाएगा, उस ट्रैक का लेंथ हो जाएगा। सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है उसका क्या हो जाएगा, वो लेंथ हो जाएगा, उस पाथ का, सर्कुलर पाथ का लेंथ हो जाएगा। इसलिए वो क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सो डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी इज व्हाट, 2πr।
एंड स्पीड इज टोटल, सिंस वी नो स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, और हियर टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस 2 पाई आर है और टाइम क्या है, टी है, सो स्पीड इक्वल्स टू 2 पाई आर बाय टी। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है जिसका रेडियस आर हो, तो उस ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या होगा, 2 पाई आर बाय टी। Let us take an example to understand. An artificial satellite is moving in a circular orbit of radius 42,250 km. Calculate its speed if it takes 24 hours to revolve around the Earth. Students, इस इमेज में आप देख सकते हैं There is a Earth and this is a satellite and satellite is moving along a circular path, circular orbit and radius of circular orbit is what? 42,250 kilometer. चूंकि हमें radius पता है circular path का, circular orbit का, तो हम इसका सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं और ये क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो जाएगा। एंड टाइम भी गिवन है, टाइम क्या है हमारा, 24 आवर्स है, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, 2 पाई आर बाय टी फॉर्मूला यूज करके जो स्पीड इक्वल्स टू होता है, और इससे हम क्या कर सकते हैं, सैटेलाइट का स्पीड निकाल सकते हैं। रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट इज व्हाट, इज 42,250 किलोमीटर इज 2 पाई आर, सो 2 इनटू वैल्यू ऑफ पाई 22/7 एंड रेडियस इज 42,250 किलोमीटर। स्टूडेंट्स यहां पे टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 2 पाई आर ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि 2 पाई आर क्या है, उस सर्कुलर ऑर्बिट का ये लेंथ है, उसका सर्कमफेरेंस है, और हमें पता है अगर किसी सर्कल का रेडियस पता हो उसका सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है, सो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 इनटू 22/7 इनटू 42,250 किलोमीटर। नाउ व्हाट इज टाइम, टाइम इज गिवन दैट इज 24 आवर एंड 24 आवर को आवर को हम क्या कर सकते हैं, सेकंड में चेंज कर सकते हैं इजीली, सो 24 इनटू 16 इनटू 60 सेकंड, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मिनट में क्या होता है, 60 सेकंड, और एक और एक आवर में क्या होता है, 60 मिनट, तो एक आवर में 60 मिनट के लिए 60, फिर एक मिनट में क्या होता है, 60 सेकंड, सो 60 सेकंड, यानी हम इजीली कह सकते हैं कि 1 आवर में क्या होता है, 60 इनटू 60 सेकंड दैट इज 3600 सेकंड। स्पीड ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है जिसका रेडियस r हो, तो उस ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या होता है, 2 पाई आर बाय टी, सो स्पीड ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज 2 पाई आर बाय टी, एंड यहां पे हम लोग वैल्यू रखेंगे 2 पाई आर टी इक्वल 2 पाई आर इक्वल्स टू 2 इनटू 22/7 इनटू 42,250 किलोमीटर, और इसे हम डिवाइड करेंगे टाइम 24 इनटू 60 इनटू 60 सेकंड, कैलकुलेशन के आफ्टर हमें 3.07 किलोमीटर पर सेकंड ये स्पीड प्राप्त होगा। यानी ये स्पीड क्या होगा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट का स्पीड होगा 3.07 किलोमीटर पर सेकंड। आई होप स्टूडेंट्स यू आर अंडरस्टैंडिंग, इफ देयर विल बी एनी प्रॉब्लम एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, थैंक्स।